सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शर्मा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके चैनल टेक्निकल शर्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो होने वाले बहुत ही खास। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रेडमी 6 और रेडमी 6E के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी 6 और रेडमी 6E के बारे में। तो इन दोनों डिवाइस के ऊपर रेडमी ने उसका जो MIUI 10 का अपडेट है स्टेबल वर्जन अपडेट दे दिया है। तो इस दो मॉडल के ऊपर सभी के इंतजार में था कि कब आएगा ये स्टेबल वर्जन। तो मैं बता देना चाहता हूँ, चाइना में ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है और ये जो है इसका ऑफिशियल लिंक है, कोई वेबसाइट का लिंक नहीं, इसका जो एक्चुअल ऑफिशियली लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहीं से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले चीज मैं बता देता हूँ, दो लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। आप कोई भी लिंक को डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला चीज तो एक आप ध्यान में रखिएगा, ये जो आप करना जा रही है कुछ स्टेबल वर्जन मिल जाते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मली आप अगर आपका जो अपडेट वर्जन है चेक करने के लिए अबाउट फोन पे जाने के बाद आप अपडेट में चेक कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा अपडेट आया तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका MI कम्युनिटी में मिल जाता है, MI कम्युनिटी से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका जो मन पसंदीदा मोबाइल, आपका जो आपका मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग आप फाइल जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मैं टोटल 5 से 7 होगा, आप देख लीजिएगा, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा। और इसमें Y2 मोबाइल है, Note 5 है, Note 5 Pro है, तो ये सारा डिवाइस वहाँ पे दिया हुआ होगा। तो इसे जाकर के आप वहीं से जो जितना सारा जिप फाइल है जिप फाइल को आप देख सकते हैं। और अगर आपका जो मॉडल आप मोबाइल आपका है तो उस मॉडल का अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मोबाइल का लिंक है तो आप डाउनलोड करके उसका भी कर सकते हैं। प्रोसेस बस सिंपल सा है, मैं बता देना चाहता हूँ, बेसिक सा चीज़ आपको रखना ही पड़ता है, 50% का अबाउट चार्ज और आपका मोबाइल का बैकअप लेना पड़ता है। उसके बाद आपका अबाउट फोन पे जाने के बाद 3 डॉट्स में ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको जो जिप फाइल मैंने डाउनलोड करने के लिए आपको बताया, और अगर आपने इससे पहले डाउनलोड करके रखा है तो बस उसके उसमें एक्सट्रैक्ट कर देना है 0 से लेकर 100 तक। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा आपका जो है चेंज हो जाएगा MIUI 10 में। ये फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, ये बेटा वर्जन नहीं है, मैंने जो जिस लिंक में बात कर रहा हूँ और जिसका जो डाउनलोडेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है वो फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ स्टेबल वर्जन है। और ये OTA भी है, ठीक है। तो आप अगर अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप हो सके तो MI कम्युनिटी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, अक्सर कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिला है रेडमी 5A के बारे में, 5A का स्टेबल वर्जन कब आएगा, 5A के बारे में। तो गाइस, अगला जो वीडियो होगा 5A के बारे में होगा, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, रेडमी 5A के ऊपर स्टेबल वर्जन कब आएगा, अगर आएगा तो क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा और किस प्रकार से होगा, इस वीडियो लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। तो आप अगर 6 और 6 से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं 2 स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके फटाक से MIUI 10 को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ अपनी तरफ से भाई के लिए लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।